अस्पताल के प्रभारी पर छेड़खानी का एफआईआर दर्ज, स्टाफ नर्स ने लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक स्टाफ नर्स ने अपने ही अस्पताल के प्रभारी पर छेड़खानी का एफआईआर दर्ज कराया है। स्टाफ नर्स का आरोप है कि मंगलवार को देर रात वह ड्यूटी पर पहुंची, जिस दौरान पीएचसी के इंचार्ज ने ड्यूटी के दौरान अंदर कमरे में खींच लिया और कहा कि आज बहुत चमक रही हो। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, किसी को बताने पर नौकरी ले लेने की धमकी भी दी। परेशान स्टाफ नर्स ने थाने पहुंचकर और पीएचसी प्रभारी के खिलाफ छेड़खानी और एससीएसटी के तहत केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी का कहना है कि कोर्ट में बयान के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मामला तिंदवारी थाना इलाके के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां तैनात स्टाफ नर्स ने पुलिस को शिकायत करने के दौरान बताया कि वह 28 फरवरी को देर रात 9 बजे ड्यूटी पर थी, जिस दौरान पीएचसी प्रभारी आकर अंदर कमरे में हाथ खींचने लगे और बोले कि आज बहुत चमक रही हो। उसके बाद ड्यूटी रूम में पकड़ कर खींच रहे थे। विरोध करने पर 2 महीने की सैलरी काटने सहित जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी से शिकायत करने पर नौकरी ले जाने की धमकी भी दी। स्टाफ नर्स ने बताया उसी दौरान अस्पताल में तैनात आशा बहू आ गई, जिसे प्रभारी ने मौके से भगा दिया। स्टाफ नर्स ने छेड़खानी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने छेड़खानी सहित एससीएसटी की धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप ने बताया कि तिंदवारी के पीएससी के एक स्टाफ नर्स ने अस्पताल के प्रभारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। मामले में कोर्ट के बयान के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इधर जाने के बजे इधर आ गए सर, अंदर देखी फोन किया, किसकी ड्यूटी है सर, मेरी बाहर है इतना है सर, आइए एक महीना का आपका वेतन ये करते हैं इस तरह बोले, पर आशा वो शिकायत कर रही है सर, कुछ वही चला से वो कौन सी शिकायत कर रही है, और पूरा दासन बोला है फिर यहाँ पर चुंडी बंद मेरा कोई इंटेंशन है, तो मैं आपसे वहाँ गया था दिल्ली कोर्ट में, एक आशा ने बोला कि मैंने कहा डिलीवरी किसकी है किसकी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी हमारी आशा नहीं आई। मैं सब फ़ोन किया राखी नाम की आशा, तो पता कर लीजिए, तो राखी नाम की आशा ने कहा कि वो मैं नहीं आऊँगी, मेरे पास शादी है, मैं क्यों नहीं आऊँगी। तो मैं इसे फिर मैं यहाँ आया, मैं कहा ड्यूटी किसी कोई आया कि नहीं, कहा कोई साथ में नहीं आया, तो मैं सिर्फ कहा मैंने इनसे मुझे मिले, मैं कहा क्यों नहीं आप यहाँ पर ड्यूटी में, और वेतन मैं काट दूंगा, इतना बोला मैं 8 बजे सर आपको बता दिया, पूछा मैं इतना बोला हूँ वेतन काट दूंगा, और कुछ बोला पूछ लिया कुछ बोला नहीं, अब भैया तब बोला हूँ की मैं कैंपस से बात होती है तो आदमी बोल देता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है आदमी वो लगा देता है। कितनी बात है पूछ लीजिए, दूसरी बात बोली हुई पूछ लीजिए, और कुछ बोला मैंने, और मैंने कुछ बोला भाई खुल के बता दीजिए कुछ बोला हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोला हूँ, भाई बंद था ये, मैं वहाँ गया आप बताइए, मैंने आपको कुछ बोला इसके अलावा आप पूछ लीजिए, अगर मैं कुछ बोला हूँ तो इसलिए नहीं आया था, वही बेबा समझिए ना, मुझे कोई इंटेंशन था, मैं सिर्फ वहाँ पर पहुँच गया था डिलीवरी पॉइंट। कल 28 फरवरी लगभग 8:30 के बीच की घटना है। थाना तिंदवारी अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा अपनी ही स्टाफ नर्स के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, चिकित्सक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार वैधानिक कार्रवाई मामले लाई जाएगी।